सक्सेस प्लेटफॉर्म चैनल पर सभी का स्वागत है। भारत का भूगोल संपूर्ण निचोड़ सेट नंबर सेकंड। आज की क्लास में हम भारत के भूगोल के मोस्ट इंपोर्टेंट एक्सेप्टेड क्वेश्चन कवर करेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सभी क्वेश्चनों को हम मैप के अकॉर्डिंग ट्रिक के साथ कवर करेंगे। बच्चों, मेरा पढ़ाने का तरीका होगा कि सभी टॉपिक में आपके माइंड में कैसे कॉपी पेस्ट करता हूं। आपको कंप्लीट क्लास देखनी है। ये क्लास आगामी सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन देखने को डायरेक्ट मिलने वाले हैं। क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से किसको सादरी पर्वतमाला भी कहा जाता है? अब भारत की तट से लगातार प्रत्येक एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, अब सभी के सभी कवर करेंगे। सबसे पहले देखिएगा क्वेश्चन हमारा क्या था, निम्नलिखित में से किसको सादरी पर्वतमाला भी कहा जाता है? इसका राइट आंसर है, कौन से भाग को कहा जाता है? ये आपका जो सादरी पर्वतमाला है बच्चों, ये हमारा पूर्वी तट होता है, ये हमारा होता है पश्चिमी तट। जो पश्चिमी तट की साइड की जो पर्वतमाला होती है, इसको क्या कहा जाता है? सादरी पर्वत। पूर्वी तट वाला जो पर्वत होता है, पूर्वी तट पर, इसको क्या कहा जाता है? महेंद्र गिरी। अब तट रेखा से भी और तट से क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं एग्जाम में, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अरब सागर भारत की किस साइड स्थित है? पश्चिमी तट पर। बंगाल की खाड़ी किस साइड स्थित है? पूर्वी तट पर। गुजरात और दमन के बीच का जो तट होता है, इसको क्या बोला जाता है? कठियावाड़ तट। आपका केरल और कर्नाटक के बीच का तट क्या कहलाता है? मालाबार तट। ठीक है जी, मैक्सिमम बच्चों के माइंड में क्या कंफ्यूजन होता है कि मालाबार तट किस साइड होता है, कोरोमंडल तट किस साइड होता है? याद कैसे करने है? केरल और कर्नाटक का जो आपका तट होता है मालाबार तट, लेफ्ट साइड होता है, नक्शे में लेफ्ट साइड होता है, और जो आपका कोरोमंडल तट है ये किस साइड होता है? ये राइट साइड होता है। याद रखना है, माला, जयमाला, जब शादी होती है जयमाला कौन से हाथ में थी लड़के के? लेफ्ट साइड में। और जो मंडल होता है ना, मंडल बीड़ी का लगा लो या सिगरेट का मंडल लगा लो, वो किस साइड हाथ में होता है बच्चों? वो आपका राइट साइड में होता है। ऐसे आपको ये याद रखना है। जो आगामी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन क्या क्या बन सकते हैं आपके, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच का जो तट होता है, इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कोरोमंडल तट। आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल का जो बीच का तट होता है, इसको क्या कहा जाता है? डेल्टाई क्षेत्र। जो पूर्वी तट की पर्वत श्रृंखला होती है, इसका नाम क्या है? महेंद्रगिरी। पश्चिम तट की जो पर्वत श्रृंखला होती है, इसे क्या कहते हैं? सादरी पर्वत। दमन और गुजरात के बीच का तट क्या कहलाता है? कटियावाड़ तट। गोवा और गोवा के बीच का तट क्या कहलाता है? यहां से गुजरात के पास से, इसको कहते हैं कोकण तट। इसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बन सकता है आगामी एग्जाम के लिए, केरल और गोवा के बीच का तट क्या कहलाता है? केंद्रा तट। कर्नाटक और केरल के बीच का तट क्या कहलाता है बच्चों? ये आपका मालाबार तट कहलाता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, जो एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, कि पूर्वी तट की पर्वत श्रृंखला और पश्चिमी तट की पर्वत श्रृंखला को मिलाने वाली पहाड़ी का नाम क्या है बच्चों? ये आपकी नीलगिरी की पहाड़ी, जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को आपस में मिलाती है। कहाँ मिलाती है? ये आपके सामने मैं एरो लगाकर दिखा रहा हूं। अब आपको ये भी पता होना चाहिए, जो पूर्वी तटीय मैदान है, ये वाला आपका जो पूर्वी तटीय मैदान है ना, ये पर्वत वाला क्षेत्र, इसको क्या क्या नाम दिया गया है? इसको उत्तरी सरकार भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी सफिशियंट थी आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड 27, संघ राज्य क्षेत्र पांडुचेरी की सीमा किसके साथ नहीं लगती? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि पांडुचेरी की जो तटरेखा है किसके साथ नहीं लगती। मैं आपको मैप के अकॉर्डिंग आपके माइंड में कॉपी पेस्ट करता हूं। आपका पांडुचेरी ये देखिएगा, कौन कौन से राज्यों से तट होती है पांडुचेरी की सीमा? एक आपका तमिलनाडु, नंबर एक, नंबर दो आपका एक जिला है आंध्र प्रदेश में, नंबर तीन एक है आपका केरल में। अब ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं राइट आंसर, कौन कौन से पांडुचेरी की सीमा किससे लगती है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। केरल से लगती है बिल्कुल, ठीक है जी, आंध्र प्रदेश से लगती है, तमिलनाडु से लगती है, जबकि कर्नाटक से इसकी सीमा नहीं लगती है। नेक्स्ट स्लाइड में क्वेश्चन जो आएगा, मैं चार जिले कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा, कि केरल में कौन सा जिला है, आंध्र प्रदेश में कौन सा जिला है, तमिलनाडु में कौन सा जिला स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय मानक समय किस अक्षांश पर अपनाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, 82.5 डिग्री अक्षांश। अब बात करते हैं 82.5 डिग्री जो अक्षांश रेखा है, भारत के कितने राज्यों से होकर जाती है? मैप के अकॉर्डिंग में आपको कवर कराऊंगा, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपकी 82.5 डिग्री अक्षांश रेखा होती है बच्चों, ठीक है, ये कौन कौन से राज्य से होकर जाती है? नंबर एक उत्तर प्रदेश, नंबर दो मध्य प्रदेश, नंबर तीन छत्तीसगढ़, नंबर चार उड़ीसा, नंबर पांच आंध्र प्रदेश। जो अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? पांच। एक क्वेश्चन आता है कर्क रेखा का, कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर जाती है? जो 23.5 डिग्री पर होती है भारत की उत्तर की साइड में, ये आती है 8 राज्यों से। मैं 8 राज्य कौन कौन से हैं इनको भी इसके साथ के साथ कवर करेंगे। गुजरात नंबर एक, राजस्थान नंबर दो, मध्य प्रदेश नंबर तीन, छत्तीसगढ़ नंबर चार, इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ के बाद आपका झारखंड, झारखंड पांच, वेस्ट बंगाल छह,
आपका मिजोरम 7, त्रिपुरा 8, ये 8 राज्य है जिससे कर्क रेखा होकर जाती है, मानक समय रेखा 5 राज्यों से होकर जाती है। जिस स्टूडेंट को जीके को याद करने में प्रॉब्लम होती है, डिस्क्रिप्शन में आपके लिंक दिए गए हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिकों के वन लाइनर अप्रोच के साथ। भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल, इतिहास, 100 ट्रिक वाली प्लेलिस्ट कंप्लीट कर लीजिएगा। वन डे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को आपको वहां से मिलने वाले हैं, और जिससे कि आप जीके क्वेश्चन एग्जाम में गलत न कर जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सेवन सिस्टर, 7 बहनों का सदस्य है। अब जो सेवन सिस्टर से क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपको 7 के साथ कवर कराऊंगा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 29 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले कि भाई पश्चिम बंगाल आपका इसमें सेवन सिस्टर का 7 बहनों का सदस्य है, पूछ रहे हैं ना। पश्चिम बंगाल नहीं है, उड़ीसा नहीं है, बिहार नहीं है, कौन सा है, त्रिपुरा है। एकमात्र राज्य इनमें 7 में से है त्रिपुरा। में 7 राज्य कौन कौन से हैं, पूर्व की साइड कौन कौन से पड़ते हैं, 7 के साथ कवर करेंगे। देखिएगा सभी स्टूडेंट, यदि इन सेवन सिस्टर में पूर्वी तट वाले राज्य में राज्य की बात करूं, नंबर 1 है आपका आंध्र प्रदेश नहीं, नंबर 1 आपका अरुणाचल प्रदेश, नंबर 2 आपका नागालैंड, नंबर 3 आपका मणिपुर, नंबर 4 आपका मिजोरम। ये 4 राज्य है कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। 4 राज्य पूर्वी तट वाले हैं, 4 ये। 5वां आपका असम, ठीक है, 6ठा आपका मेघालय, 7वां आपका त्रिपुरा। सिक्किम भी इन सेवन सिस्टर का भाग नहीं है, इतना आपको पता होना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा किस देश से लगती है। क्वेश्चन नंबर 30 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, बांग्लादेश। अब सभी देशों से कौन से कितनी सीमा साझा करती है, ये भी साथ के साथ मैं आपको कवर कराऊंगा। बांग्लादेश नंबर 1 पे, बांग्लादेश से भारत की कितनी सीमा साझा होती है बच्चों, 4096 किलोमीटर। नंबर 2 पर आता है भूटान, नंबर 2 पर नहीं भूटान आता है, भूटान की बता देता हूँ, भूटान की लगती है कितनी, 578 किलोमीटर। नंबर 2 पर आपका चीन आता है, चीन की कितनी सीमा साझा होती है, 3488 किलोमीटर। म्यांमार की 1643 किलोमीटर, नेपाल की 1751 किलोमीटर, पाकिस्तान की 3323 किलोमीटर, अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर। सर्वाधिक कौन सा है आपका, मैं एक बार पेन चेंज कर लेता हूँ, सर्वाधिक सीमा साझा होने वाला देश कौन सा है आपका, बांग्लादेश। सबसे ज्यादा, सबसे कम किसका है आपका, आपका अफगानिस्तान, 106। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, महादेव पाड़िया कर्नाटक पठार का हिस्सा है। क्या ये बात सही है, ये आपकी बात सही नहीं है। महादेव पाड़िया मेकाल पहाड़ी के पश्चिम में है। क्वेश्चन नंबर 31 का राइट आंसर हो जाएगा कथन सत्य, यही आपका सेकंड कथन ही सत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के स्थलाकृति मानचित्र निम्न में से कौन सा संगठन बनाता है। क्वेश्चन नंबर 32 का इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय सर्वेक्षण कौन बनाता है बच्चों, भारतीय सर्वेक्षण जारी करता है। क्वेश्चन नंबर 33 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी नहीं मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 33 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किसे नहीं मिलेगी, ऑप्शन नंबर 4 दिल्ली। क्यों नहीं मिलेगी, अभी भी आपको पता होना चाहिए, इंपोर्टेंट पॉइंट, यहां से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। मैं पेन चेंज कर लूं एक बार बच्चों, क्वेश्चन क्या बन सकता है, कर्क रेखा, कर्क रेखा के उत्तर में स्थित किसी भी भौगोलिक क्षेत्र में सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती, इसलिए लगभग संपूर्ण राज्य उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा और जम्मू कश्मीर पर ऊर्ध्वाधर सूर्य की किरणें नहीं मिलेगी। अगर दिल्ली के स्थान पर इन राज्यों से कोई सा भी आपका ऑप्शन में यदि क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये याद रखना जरूरी है। अच्छा क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 34, नवगठित तेलंगाना राज्य की सीमा 4 राज्यों से लगती है, किस राज्य से सीमा नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 34 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, उड़ीसा से नहीं लगती है। अब मैं आपको मैप पर दिखाऊंगा अभी कौन कौन से राज्य वो है जिससे तेलंगाना की सीमा लगती है, उड़ीसा के साथ नहीं लगती, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तेलंगाना आपका कहाँ है बच्चों, तेलंगाना ये रहा, तेलंगाना से आपकी आंध्र प्रदेश की सीमा, पेन चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक पेन लेता हूँ जिससे कि आपको क्लियर दिखाई दे। देखिएगा तेलंगाना आपका कहाँ है, ये रहा तेलंगाना, बीच में येल्लो सा। आंध्र प्रदेश से सीमा लगती है, कर्नाटक से सीमा लगती है, महाराष्ट्र से सीमा लगती है, ठीक है जी, और इसके बाद आपका छत्तीसगढ़ से सीमा लगती है। ये 4 राज्य है, उड़ीसा जबकि ये अलग है, देखिएगा पिंक कलर का ही, उड़ीसा से सीमा साझा नहीं होती है, यदि आप ध्यान से देखोगे तब आपको पता चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्य में बता चुका हूं, क्वेश्चन नंबर 35 का आपका राइट आंसर हो जाएगा किससे नहीं गुजरती है, मणिपुर से नहीं गुजरती है। 8 राज्य कौन कौन से, नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 आपका राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड आपका, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 वेस्ट बंगाल, ठीक है, नंबर 7 आपका त्रिपुरा, नंबर 8 आपका मिजोरम।
यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, इसलिए आपको मैप पर अच्छी तरीके से पकड़ करनी बहुत जरूरी है। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, जीरो मील नगर किसे कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 36 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नागपुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, बाह्य हिमालय किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 37 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, किसे कहते हैं? शिवालिक हिमालय को ही क्या कहा जाता है? बाह्य हिमालय कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, क्वेश्चन नंबर क्या कहता है जी, कुल्लू घाटी किसके बीच स्थित है? क्वेश्चन नंबर 38 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, धौलाधार और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, बरतर हिमालय बेहतर बाह्य, मतलब ये बाह्य हिमालय की बात कर रहे हैं, ये लिखा हुआ थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक के कारण बच्चों, बेहतर हिमालय का दूसरा नाम खालिस्तान है, बाह्य हिमालय को क्या कहा जाता है? 39 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्या कहा जाता है इसको? हिमाद्री कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, कौन से पर्वत हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है? क्वेश्चन नंबर 40 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा नहीं है? अरावली पर्वत श्रृंखला, ये हिमालय श्रृंखला का अंग नहीं है, ये आपका अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41, कश्मीर घाटी इन दो पहाड़ियों के मध्य स्थित है? 41 का आपका राइट आंसर हो जाएगा, पीर पंजाल और जास्कर के बीच। मैं आपको ट्रिक से बार बार जब भी क्वेश्चन आया याद कराया है कैसे, के एल जे पी डी एस, काराकोरम लद्दाख जास्कर पीर पंजाल दुरावी शिवालिक, जो आपका काराकोरम लद्दाख जास्कर ये बाह्य वर्ध हिमालय मान हिमालय के अंतर्गत आते हैं, पीर पंजाल दोलावीर ये लघु हिमालय के अंतर्गत आते हैं, शिवालिक आपका थर्ड नंबर का, आयु के आधार पर हिमालय को तीन भागों में बांटा गया है, कौन कौन से? नंबर एक आपका मान हिमालय, नंबर दो आपका लघु हिमालय, नंबर तीन आपका शिवालिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, नदियों के आधार की बात करते हैं, नदियों के आधार पर चार प्रकार का हिमालय को विभाजित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 42 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड, नामचा बरवा। नामचा बरवा किस राज्य में स्थित है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 43, निम्नलिखित दर्रों में से किसे किससे होकर लेह जाने का रास्ता है? क्वेश्चन नंबर 43 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जोजिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 44, नाग तीवा पीर पंजाल धौलाधर और महाभारत पर्वत पर्वतमालाएं किसमें शामिल है? क्वेश्चन नंबर 44 का आपका अच्छा क्वेश्चन है बच्चों, ये है अपार हिमालय, लघु हिमालय, उच्च हिमालय, अधो हिमालय। क्वेश्चन नंबर 44 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर टू, किसके अंतर्गत आती है बच्चों? आपके लघु हिमालय के अंतर्गत आती है, के एल जे। देखिएगा मैं ट्रिक्स बताया था ना, देखिएगा ट्रिक बता देता हूं, क्या क्या थी हमारी, वो के एल, दोबारा लिख देता हूं, के एल जे, फिर आपका पी डी, फिर आपका एस, ये तो आपका महान हिमालय के अंतर्गत आती है पर्वत श्रेणी, तो आपकी महान हिमालय के अंतर्गत आती है, ये लघु के अंतर्गत आती है लघु हिमालय, ये शिवालिक हिमालय, पी से बनता है आपका पीर पंजाल, डी से बनता है आपका धौलाधार। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? क्वेश्चन नंबर 45 का आपका राइट आंसर हो जाएगा के टू गार्डविन आइंस्टीन। तीन क्वेश्चन बनते हैं, तीनों में कवर कराता हूं साथ के साथ। यदि बात करते हैं क्वेश्चन में एग्जामिनर पूछते हैं विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एवरेस्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी के टू गार्डविन आइंस्टीन, भारत की भारत में स्थित सबसे ऊंची चोटी, तब आपको राइट आंसर लगाना है कंचनजंगा। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, मात्र 13 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली विश्व की सबसे कम आयु की बालिका है, कौन है जी? राइट आंसर हो जाएगा 46 का मलावत पूर्णा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47, गुरु शिखर क्या है? गुरु शिखर है आपकी एक पहाड़ी चोटी है, गुरु शिखर किसकी है? अरावली की सबसे ऊंची चोटी, अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है आपकी? गुरु शिखर है। नीलगिरी पर्वत चोटी की सबसे, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी आपकी दोदा बेटा है। ठीक है जी, धूपगढ़ किसकी है बच्चों? धूपगढ़ है किसकी? अरावली की, तो आपकी गुरु शिखर होगी, धूपगढ़ आपकी धूपगढ़, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की जो सबसे ऊंची चोटी है उसको क्या नाम दिया गया है? धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, किस हिमालयी चोटी को सागरमाथा भी कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 48 का आपका राइट आंसर हो जाएगा माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, किस सैन्य ऑपरेशन के तहत भारत ने सियाचिन पर अधिकार स्थापित किया था? क्वेश्चन नंबर 49 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑल क्लियर के नाम से ये आपका ऑपरेशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, अन्नाई मुड़ी शिखर प्रायद्वीपीय भारत में उच्चतम पर्वत चोटी स्थित है, कहां है? क्वेश्चन नंबर 50 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सह्याद्री में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी है वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को
सब्सक्राइब करें। थैंक यू।